कर रहे हैं और पिछले दिनों जो पूरे जिले में आपने घटनाएं देखी होंगी और खासकर विशेषकर कल जो घटना जो यहाँ पे हुई है और इसमें हमारे एक सीआरपीएफ के जवान थे जो अपने वीरदास जी उन्होंने शहादत प्राप्त की है, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और सलाम करते हैं उनकी शहादत को और उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और उनका नाम जो है वो सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ से हम जितने भी हमारे कमिश्नर डीजीपी जैन साहब और उनके नेतृत्व में हमारे एसएसपी डीआईजी और उनकी पूरी टीम ने वहाँ पर जो काम किया है वो भी मुबारक के पात्र हैं। और लेकिन दूसरी तरफ से हम इन चीज़ों से जो पिछले एक डेढ़ माह से जहाँ घटनाएं हो रही हैं उसका संज्ञान नहीं लिया गया है हमारे पूरे यूपी प्रशासन द्वारा, हम पूरा जिलावासी उससे परेशान हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों चुनाव के तुरंत बाद ही बसंतगढ़ में वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे एक बीडीसी जवान की वहाँ पे एक शहादत हुई वहाँ पे, और उसके बाद जो थाना में या नगर में भी वहाँ पे उनकी प्रेस देखी गई मिलिटेंटों की या लोगों ने जैसे कहा, और उसके बाद मेला में हमारे यहाँ पे जो हमारे भाई थे अमरजीत शर्मा उनकी भी निर्मम हत्या वहाँ पे कर दी गई। और उन सब चीज़ों से इन लोगों ने सीखा कुछ भी और अगले दिन उन्होंने वहाँ पे सैडा में या ऊपर सवाल में अपनी प्रेस वहाँ पे उन्होंने दिखा दी मिलिटेंटों ने और हमारे एक जवान को भी शहीद होना पड़ा। और उसके बाद हमारे पुलिस फोर्सों ने उनको न्यूट्रल किया और आतंकियों को वहाँ से मार भगाया। और लेकिन जो आप जरूरत पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कि हमारे यहाँ पर तो पहले कठुआ जिला पहाड़ी अंदर और दूसरी तरफ से बरैल है कंडी है, हमारे यहाँ एक अतिरिक्त पुलिस डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है, इमीडिएट यहाँ इसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। जैसे कश्मीर में कुछ जिलों में पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही यहाँ पुलिस डिस्ट्रिक्ट की हम डिमांड करते हैं। और दूसरी तरफ आपको पता है कि बडाला में हमारी आई आर्मी की बटालियन है, ये जो रिजर्व बटालियन होती हैं ये हमेशा होती हैं थानों को या यहाँ भी एमरजेंसी हो वहाँ के लिए डिप्लॉयमेंट होती है, तो यहाँ की जो आई आर पी की बटालियन थी सारी उठा के उन्होंने जम्मू भेजी हुई है। हमारे ऐसे हीरानगर में सी आर पी एफ है वो या तो जेलों के आसपास लगाई है या कहीं दाएं बाएं भेजी हुई है। तो अभी हाईवेज पे या दूसरी जगह पे जब से ये चीज़ें आई थी तो इन लोगों के यहाँ नाते वाते सारे अपने आज तक सुरक्षा की तरफ से करते चौकस कर देने चाहिए थे, वो जो इन लोगों ने नहीं किए हैं। और हमें पुलिस की एडिशनल स्ट्रेंथन की यहाँ जरूरत है कि पुलिस अपनी सुरक्षा बल बढ़ाए और ऐसे ही अपना ये इनका जो सीआईडी तंत्र है वो उसको मजबूत करे, जो हमारे जो है काउंटर इंटेलिजेंसी है या उनकी स्पेशल ब्रांचें हैं तो उनमें भी लोग बढ़ाए उनको और इक्विप करे ताकि वो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सके। सिर्फ ये नहीं है कि पासपोर्ट वाले की वेरिफिकेशन कर दी, नौकरी वाले की कर दी या किसी और को इधर उधर वेरिफिकेशन करके घूमते रहे, हमें ज़रूरत है कि जिस काम के लिए जो हमें यहाँ पीक पे जो ज़रूरत है उस काम को वो अपने यहाँ देखा देखा करें और अपनी उनकी प्रेस अभी देखनी चाहिए। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल रूट हैं मिटेंसी के, चाहे भई नाला है उसके बाद तरनाल नाला है उसके बाद भुजा है उसके बाद सारकाट है उसके बाद ये रावी का जो पुराना रूट है, सबको पता है ये रूट है, तो इस रूट पे इनके नाके होने चाहिए। सिर्फ वो नाके माइनिंग के लिए माइनिंग वालों माफिया का साथ देना और लोकल ट्रैक्टर वालों को पकड़ना है और पुलिस भी साथ में डाल दो वहाँ पे, तो ऐसे पुलिस को आप इधर उधर मत लगाइए, पुलिस की जरूरत है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं चाहे वो ड्रग माफिया हो चाहे वो माइनिंग माफिया कोई गलत वहाँ पे अगर कोई वो करता है या दूसरे जो मिलिटेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें पुलिस चाहिए और उसी के लिए पुलिस की वो जरूरत रहती है। ऐसे ही आपको पता होगा कि इससे पहले भी हीरानगर थाने में या रायबाग थाने में भी हमला भी हुआ है वहाँ पे, तो सुरक्षा की दृष्टि से उनको और मजबूत करें, वहाँ पे और चीज़ें बढ़ाई जाएं और सरप्राइज नाका किए जाएँ, गाँव में फ्लैग मार्च किए जाएँ ताकि इधर उधर उनको प्रेस लगे कि क्योंकि हर चीज़ पार से जो आदमी यहाँ भेज रहा है जिसका मकसद है इस रियासत को खराब करना या अपनी खबर बनाना जब पूरी दुनिया को दिखाना कि जहाँ हम उपद्रव कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें अच्छी तरीके से अपना चीज़ें करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, हमारे यहाँ टूरिस्ट का पीक सीजन है और जैसी खबरें आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुँचेंगी या पूरे नेशनल मीडिया पर छाई हुई है, कौन यहाँ टूरिस्ट आएगा कौन अमरनाथ यात्रा पर आएगा, यात्रियों पे हमला किया गया रियासी के पास वहाँ पे किया गया तो कौन यात्रा आएगी, हमारे लोग खाएंगे क्या, हमारे यहाँ है क्या,
तो ये सब चीजें हैं कि हमें सुरक्षा यहाँ की चौकबंद करनी चाहिए। और हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता है कि अब हमने देख रहे हैं कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे जिले में पॉपुलेशन जितनी थी डबल हो गई है। बाहर से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई फैक्ट्रियों के नाम पे आ रहा है, कोई धंधों के नाम पे आ रहा है, क्या यहाँ पे हो रहा है। हर 10 आदमी से 8 आदमी को हम जानते ही नहीं, हम लोकल हैं यहाँ पे, पिछले 50-60 साल से हम जन्मे पले यही जी भर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये कौन है। कोई डीएम के कार्यालय में घुसा हुआ है, कोई तहसील में घुसा हुआ है, कोई इंडस्ट्री में घुसा हुआ है, लोकल तो हमें वहाँ दिखता कोई नहीं है, यही दिख रहे हैं। यही कोई कहते हैं कोई 2.5 लाख करोड़ रुपया आ रहा है यहाँ पे, कौन सी लूट है, किसको ये बांट रहे हैं, वही लोग यहाँ पे गंद डाल रहे हैं, वहीं से माफी आ रहे हैं, चाहे कोल आ रहे हो, माइनिंग आ रहे हो, ड्रग्स आ रहे हो, सब लोग ये माध्यम से आ रहे हैं। हमारे लोग यहाँ भोले वाले हैं, अच्छे से लोग रह रहे थे, डोगरे अपने कल्चर में खुश थे, अपनी हेरिटेज में, हमें अपनी रोजी रोटी यहाँ जितनी चाहिए थी सब यहाँ पे थी। ये हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है जब से यूपी बनी हुई है, और उसके बाद जो होम मिनिस्टर साहब है वो कल तो उन्होंने शब्द नहीं लिए, वो 5 साल पहले भी होम मिनिस्टर थे। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो 10 साल से पीएमओ में बैठे हुए हैं, ये उनका 11वां साल है, इस जिले ने जिताया है उनको इस चुनावों में भी, तो उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। सिर्फ अस्पताल में आके कोई घायल हुआ तो उसका हाल पूछ लिया, जूस पिला दिया, उससे काम नहीं होगा। हमारे यहाँ घायल कोई होना ही नहीं चाहिए, हमारे यहाँ सब लोग दुरुस्त सुरक्षा की दृष्टि रहनी चाहिए। मैं उनको भी कहूँगा कि हमें यहाँ थानों की जरूरत है, तहसीलें तो कांग्रेस ने बना दी थी, SDM दफ्तर भी कांग्रेस ने बना दिए थे, न्यायालय भी कांग्रेस ने बना दी थी, आप ये कम से कम ये थाने थोड़े तो बढ़ाएं। होम मिनिस्टर आपका ये यूटी देख रहा है, अमित शाह साहब यहाँ यूटी को देख रहे हैं, कम से कम थाने बढ़ाएं, चौकियाँ बढ़ाएं, पुलिस बढ़ाएं, हमारे यहाँ SPO लगाएं, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार दें। जब चुनावी वादे आप करते हैं कि हम नौकरियों के यहाँ 2 लाख नौकरियाँ देंगे, यहाँ थोड़ी मिल रही है, हमारे यहाँ कम से कम 10 बटालियनों की इमीडिएट जरूरत है, कि चाहे आप बनी में करें, बिलावर में करें, मसौली में करें, कहीं भी करें, कंडी में करें, अंदड़ में करें, शहर में करें। हमारे यहाँ नौजवान देश की सुरक्षा के लिए हमेशा कुर्बानी देते आए हैं और वो मुस्तैद हैं, काबिल हैं, तो आप क्यों नहीं भर्ती करते हो, उल्टे BDCs को भी आप कमजोर कर रहे हो, हथियार नहीं दे रहे हो। हमारे लोग कहते हैं लाइसेंस करने के लिए अप्लाई के लिए आते हैं, महीनों खजल होते हैं, उनको बता दिया जाता है, क्यों नहीं देते आप लाइसेंस, 2 लाइसेंस कम से कम। अगर आप सुरक्षा नहीं बढ़ा सकते, आप पुलिस नहीं बढ़ा सकते, आप सफाई नहीं बढ़ा सकते थाने में, आप चोरी चकारी नहीं रोक सकते, ट्रक माफिया को नहीं रोक सकते, मिलिटेंटों को नहीं रोक सकते, डंडों से मुकाबला करेंगे हम लोग। कल मेला में अमरजीत शर्मा जी की जन्म हत्या होगी, ऐसे आप लोगों को करवाना चाहते हो आने वाले दिन, कि लोग रातों से घरों से बाहर ना निकले और हमारे यहाँ चोरियाँ चकारियाँ लूट खसूट होती रहे। इन सब चीज़ों के लिए कम से कम गाँव को, हर चोर को भी पता होता है कि इस गाँव में 10-20-30 बंदूकें आ गई है, मेरा यहाँ से जाना मुश्किल है, या मिलिटेंट को पता होता है कि मुझे घेर लेंगे, कि उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो भी बनाते हैं कि हमारे गाँव में 10-20-30 यहाँ पे दलालियाँ हैं, वो सिंगल बैरल है, किसी के पास पिस्तौल है, वो मुकाबला करेगा। आपने दे रहे हैं कुछ डंडों से क्या मुकाबला करेंगे, आप लाइसेंस खोलो। मैं DM साहब से भी अपील करूंगा कि चाहे ऊपर आपने CS से बात करें, गवर्नर साहब से बात करें और कहें कि हमें यहाँ पे यंग ऑफिसर हैं तो बात करें उनको कि मेरे जिले में आपका लाइसेंस खोलो, आप उसमें कितनी सख्ती करो, सरपंच से चेक करवाओ, पंच से करवाओ, तहसीलदार से कराओ, नायब से कराओ, 10 लोगों से वेरिफिकेशन से कराओ, थाने से कराओ, चौकी से कराओ, लेकिन आप लाइसेंस तो दो, बंदूक तो दो, ताकि वो मुकाबला कर सके, किसी को डरा धमका सके, मिलिटेंट को या किसी जो समय जो लोग यहाँ शरारत करने के लिए आते हैं उसको भगा सके। लेकिन आपने लाइसेंस भी नहीं देने, ऐसे ही लोगों को यहाँ खुला छोड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए और हमारे यहाँ भर्ती वर्ती की जाए। और दूसरा, पुलिस वालों को भी देखना होगा कि वो लोकल जो नए नए लीडर डेवलप हो रहे हैं सबको आपने गनमैन दे दिए, गन कल्चर यहाँ बना के रखा हुआ है। आप देखें किसी को जरूरत, मैं भी जिला प्रधान हूँ 2 साल से, मैंने तो कभी दरखास्त नहीं दी, मुझे बड़ा शौक होता कि दो लोग मेरे आस पास कोई घूमे, मैं भी घूमूँ, कोई पूछेगी ये कौन किससे साफ करके, मुझे जरूरत ही नहीं थी, मुझे कोई कभी किसी की जरूरत ही ना पड़ेगी, मुझे गवर्नमेंट की जरूरत है। ये हमारे जो सुरक्षा तंत्र है, हम तो सोचते हैं कि यहाँ आम नागरिक अगर बिना सुरक्षा के घूम रहा तो मैं क्यों ना घूम, तो इनकी जाँच की जाए, छीनो इनसे, कुछ नहीं है इनके पल्ले। आप गवर्नमेंट देते हो, दूसरे दिन कहता मैंने SSP चेंज करवा दिया, तीसरा कहता मैंने SHO हटवा दिया, खुद कभी सफाई का पर्चा नहीं भरा होगा, कभी सफाई के काबिल नहीं, ना फिजिकली फिट है, ना कि ना कि लिखने पढ़ने में फिट है, और बस लाल पीले कपड़े पहन के नेता बने हुए। हम चाहते हैं कि पुलिस का हम ये मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, पुलिस को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं साहब हमारे यहाँ SSP रहे हैं, हम तब से उनको जानते हैं, बड़े काबिल ऑफिसर हैं, CID में भी बड़ा लंबा चौड़ा उनका एक रहा हुआ है। हम सब उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, उनको मजबूत करने के लिए हमारे SSP नए आए हुए, हम सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि आप
सुरक्षा की दृष्टि से चुस्त दुरुस्त रहे, अपने लिए डिमांड करें एसएसपी कि मेरे जिले में ये जो रिक्वायरमेंट है, इस जिले में इतने सिपाही चाहिए, मुझे इतने हथियार चाहिए, इतनी चौकियां चाहिए, इतने थाने चाहिए। ऐसे डीआईजी साहब आते हैं दौरे पे, मिलने नहीं दिया जाता। कौन डीआईजी ने आया, कम से कम मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग है, हम पोलिटिकल सोशल लोग बैठे हैं उनकी सहायता के लिए। पुलिस अच्छी होगी, वातावरण अच्छा होगा, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारे भाई बहन अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छी कोई खुली हवा में निकल पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि पुलिस अलर्ट रहे। हम होम मिनिस्टर से लेकर जो इनका लोकल ऑफिसर तक, एसएसपी तक, सबसे डिमांड करते हैं कि इस जिले के हालात में सुधारिए। हमारे यहाँ अतिरिक्त जिला पुलिस की जरूरत है, यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जरूरत है, आधुनिक हथियारों की जरूरत है। उनके घर वाले डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। अलार्मिंग है, तो आदमी वहाँ पे बेचारा, उसके बच्चे हैं, कुछ भी है, काम नागरिक था, अपनी दुकान बंद करके अपने घर को जा रहा था और रास्ते में उनको ऐसा चीज मिली है। तो आपको ये सब लोग वहाँ बैठे हुए, हमारे पार्टी के हमारे लोकप्रिय नेता लाल सिंह जी वहाँ पहुँचे थे, हमारे ब्लॉक लीडर, हमारे सभी साथी वहाँ पे गए हुए थे और हम सब ने ये डिमांड रखी थी। उस हमारे डीसी साहब राकेश मीनाथ जी भी वहाँ पे पहुँचे थे, हम सब लोगों ने ये डिमांड रखी थी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए उनको एक तो एकदम मुश्त राशि दिए जाए, परिवार में किसी आदमी को नौकरी दी जाए, एक तो आप सुरक्षा नहीं दे सकते, उससे परिवार भी बेहाल हो जाएगा, तो ये सब मुश्किल काम है। पूरे देश में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात सबसे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन लगातार जम्मू संभाग में जो है अभी दहशतगर्द जो इतनी लगा कितना वो देखते हैं, खतरा देखते हैं जम्मू के लिए। राजकुमार जी, मैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10-20 मिनट की आपसे कर लूँगा, आप तो हमेशा इस पे मुस्तैद रहते हैं कैमरे के साथ, अपने चैनल के साथ। जो हालात आप, मैंने बयान किए तो ये चलाएं, और जो आप रोज देखते हैं, कृपा करके आप ही शाम को एक खबर इस पे चलाएं कि जो भी खबरें यहाँ आ रही हैं सब झूठी हैं। सबसे बदतर हालत इस प्रदेश में है, हमारे लोगों को नौकरी नहीं है, हमारे लोगों को खाने को कुछ नहीं है, बाहर के लोगों को हमला, पूरे हिंदुस्तान में आप हमें बेच रहे हो और कहते हो कि जम्मू में सब कुछ खुला कर दिया हुआ, जॉब वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ, ज़मीनें लूटो, ठीक है। और जितने भी हमारे यहाँ पे रेवन्यू के महकमा माल के लोग हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें उनको इंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को कोई दुकान लेनी हो, किसी को बरदोरी लेनी हो, किसी को कोई नकल लेनी हो, उसको नानी याद दिलवा के देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे हाथ बात से बदतर है। क्यों असेंबली चुनाव कर रहे हैं, राय असेंबली चुनाव, इनको पता चलेगा इनकी बात क्या है, कहाँ ये फॉल करते हैं, जिसको पूरा लूटना चाहते हैं। एक अंग्रेज, वो गोरे अंग्रेज लूट के गए थे, ये काले अंग्रेज जो यहाँ पे बिठाए हुए हैं, जो इस जिले को भी लूट रहे हैं, प्रदेश को भी लूट रहे हैं, इस ड्यूटी को पूरा खोखला, जब पूरा खा भी लेंगे, जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तब ये यहाँ से जाएंगे, फिर बोलेंगे करो चुनाव ना लो। क्या देखते हैं जो होम मिनिस्टर हमारे हैं जम्मू कश्मीर, जो देख रहे हैं ड्यूटी देख रहे हैं, तो क्या उनसे जो हालात जो संभालने जम्मू कश्मीर संभाला नहीं जा रहा, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी 5 साल तो पहले वो होम मिनिस्टर रहे, अभी ताजे बड़ी जल्दबाजी आप कर रहे हैं, अभी ये उनका 6 साल है, इस्तीफा मांगना हमारा बुनियादी हक है अपोजिशन में, लेकिन अब एक अंतरात्मा की आवाज़ भी अपनी सुननी चाहिए। मैं तो कहें उनकी आत्मा जागे, अंतरात्मा जागे कि हम लोग क्या परोस रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की भी जागे, सिर्फ वो गुजरा और ये दूसरा मंगल सूत्र के अलावा जम्मू कश्मीर को भी उनके दिमाग में आए कि अब जम्मू कश्मीर के हालात को भी देखना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देखना है, जो हिंदुस्तान के साथ एक पूरा निभाते हैं और पूरा टूट अंग हैं, और हम सब लोग सुरक्षा के लिए हमारे जवानों ने चाहे कहीं भी, चाहे 47 से लेकर 70 तक जितने भी युद्ध हुए हैं, कितनी शहादतें हमारे लोगों ने दी है, और कहाँ बरती थी वही आप आजकल वो लेके बैठ गए हो, 4-5 साल वाले सैनिक लेके बैठ गए हो, तो ये नहीं, हमारे यहाँ भर्ती होनी चाहिए।